तो एक्सेल की बात करते हैं वापस से, तो एक्सेल 2021 की बात करते हैं, ठीक है, एक्सेल 2021। तो यहां पर 2021 को ओपन करता हूं और आप देख सकते हैं ये 2021 ओपन हो गया है, ये कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है, देखिए ये। अब यहां पर हमारे पास कोई रिकॉर्ड होगा, जैसे मान लो यहां पर ये रिकॉर्ड है, तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर क्या क्या चीजें हैं। यहां पर रोल नंबर है, फिर स्टूडेंट्स के नेम है, ठीक है, अब ये डेटा पहले से बना हुआ है, और यहाँ ड्रॉप डाउन भी बनी हुई है, दिख रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पर मार्क्स आए हुए हैं बहुत सारे, हर एक स्टूडेंट के अपने अलग अलग मार्क्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ और भी मार्क्स दिए गए हैं, इसमें थोड़ा सा मैं चेंजेस कर देता हूँ। ये चेंज तब भी हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पे एडिशन के लिए फंक्शन लगा रखा है, जिसकी वजह से जैसे ही हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर आते हैं हम, फिर यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं, फिर एंटर करते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ पर एंटर करके आते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं। इस तरीके से जब हम यहाँ पर चेंजेस कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि टोटल में भी चेंजेस हो रहे हैं। तो ये टोटल वाला हमने किया कैसे है, टोटल वाला ये कैसे किया गया, इसको देख लेते हैं एक बार। बहुत ईजी है, एड करना है, एड करने का जो फंक्शन होता है वो सम होता है। क्या होता है? सम। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये स्प्रेडशीट है, ये तो पता ही है, ये मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर इक्वल्स टू लगाना, इक्वल्स टू से ही फॉर्मूला स्टार्ट होगा आपका, और हमारा फॉर्मूला क्या है, सम का, ठीक है। हालांकि आप एक और चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑटो सम, ठीक है। यहाँ पर इन सबको सेलेक्ट करके एक एक्स्ट्रा वाला टोटल वाला कॉलम भी सेलेक्ट करके, और यहाँ पे देखिए ये मिल जाता है आपको ऑटो सम। तो आप कंट्रोल के साथ इक्वल टू, या सॉरी अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस कर सकते हैं, अल्ट इक्वल टू करेंगे तो यहाँ टोटल होता हुआ आपको नजर आएगा, देखिए टोटल हो रहा है, क्लियर। तो ये ऑटो सम था, क्या था, ऑटो सम। ये कहाँ होता है, होम टैब में होता है, कहाँ होता है, होम टैब में। तो यहां से आप ऑटो सम कर लीजिए, अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वल्स टू लगा के फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इक्वल्स टू लगाया, सम लगाया और ब्रैकेट को ओपन किया, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहां से यहां तक आपको सेलेक्ट करना है, देखो इधर ध्यान दो, यहां से यहां तक सेलेक्ट करना है। इसका सेल एड्रेस आ गया, सेल एड्रेस हमने आपको कितने टाइप के बताए थे, सेल एड्रेस कितना तरह के बताए थे, सेल एड्रेस तीन तरीके के, तीन तरीके का, एक होता है मिक्स होता है, हाँ, एक एब्सोल्यूट होता है और एक रिलेटिव होता है, यानी तीन तरीके के जो है क्या होते हैं, सेल एड्रेस होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर जैसे ही आते हैं तो एवरेज कैलकुलेट करना, तो एवरेज का भी फंक्शन आपके पास मौजूद है, तो देखिए एवरेज का फंक्शन है और यहां से आपको खाली सेलेक्ट भर कर लेना है, तो यानी ये डी टू से लेकर H2 तक की पूरी वैल्यू सेलेक्ट हो गई, और सेलेक्ट होने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दीजिए, और एंटर करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक करेंगे तो ये सारे आ जाएंगे, ठीक है, और डबल क्लिक करेंगे तो ये भी रिसाइज हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी रिसाइज हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं परसेंटेज वाले पे, परसेंटेज कैलकुलेट करना है कैसे कर सकते हैं, तो परसेंटेज देखिए मैनुअल जो फॉर्मूला है उसकी मदद से करेंगे, तो इक्वल्स टू लगाएंगे, अब टोटल में ही हमारा परसेंटेज छिपा होगा, तो टोटल का जो सेल एड्रेस है वो आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 100 से, क्योंकि परसेंटेज 100 में ही निकलता है। कुल मिला के कितने सब्जेक्ट हैं, पांच सब्जेक्ट हैं, तो एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, तो पांच सब्जेक्ट 500 मार्क्स के हुए, तो यहाँ 500 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो देखिए जितना एवरेज आया उतना परसेंटेज भी आता है, लेकिन तरीका हमने अलग अलग कर लिया, देख सकते हैं, ठीक है। अब ग्रेड ये मैं कई बार बता चुका हूँ, इफ का और स्विच के मदद से, दोनों के मदद से हम ग्रेड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ग्रेड के लिए हम एवरेज को उठाएंगे, एवरेज का सेल एड्रेस J2 है, और J2 एक रिलेटिव टाइप का सेल एड्रेस है, J2 इज लेस देन इक्वल टू 85, तो यहाँ पे कौन सा ग्रेड कर देते हैं, एस ग्रेड, ठीक है। फिर कॉमा लगाते हैं, फिर यहाँ पे इफ, इसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ, क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ फॉर्मूला, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, नेस्टेड इफ फॉर्मूला। अब फिर इसी को सेलेक्ट करना है, और इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब क्या करना है, यहाँ पे 75, क्राइटेरिया चेंज होती जाएगी, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ग्रेड आ जाएगा, फिर कॉमा लगाएंगे, इफ करेंगे, इसे नेस्टेड इफ कहते हैं, याद रखिएगा, कोई पूछे कि फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है तो इसे कौन सा फॉर्मूला बोलेंगे, तो नेस्टेड फॉर्मूला, ठीक है। इज ग्रेटर देन इक्वल टू किया हमने फिर से, और यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज 65 हो गया, और कॉमा देके यहाँ पे कौन सा ग्रेड आएगा, तो यहाँ पर जो ग्रेड आएगा उसका नाम है बी ग्रेड, तो यहाँ बी कर दिया हमने, फिर कॉमा लगाया, इफ किया, ठीक है। फिर इसी को सेलेक्ट करेंगे, पहले वाले को सेलेक्ट करेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे, सबका आता चला जाएगा, ठीक है। इज ग्रेटर देन इक्वल टू फिर किया हमने, और इस बार कौन सा ग्रेड आ जाएगा, तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 55 किया तो सी ग्रेड आ जाएगा, तो यहाँ सी कर दीजिए, और फिर यहाँ पे कॉमा देके ऑटोमेटेड अब इफ लगाइए, और फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करके इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 50 है, 50 से ज्यादा
या 50 है लेकिन 55 से कम है तो ऐसे में कौन सा ग्रेड आएगा, डी ग्रेड। और चूंकि इफ में दो कंडीशन होती है, लास्ट में दो कंडीशन आप दे सकते हैं क्योंकि और कोई इफ तो लगाना नहीं है, तो दैट्स व्हाई दो कंडीशन आप दे सकते हैं। और दो कंडीशन देंगे तो लास्ट में जो 50 से कम पाएगा वो क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। तो देखिए अब जितने हाँ तो ये हाँ ठीक है, एस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ए प्लस प्लस कोई जरूरी नहीं है कि यही करेंगे आप, और एंटर कर दीजिएगा तो यहाँ ए ग्रेड आ गया। ठीक है, अब डबल क्लिक करेंगे सबका आ जाएगा। देखिए जिसका जैसा मार्क्स उसका वैसा यहाँ पे ग्रेड। ठीक है, अब हमको यहाँ पर पास डिंस कितने सब्जेक्ट में ये पास है ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे COUNT काउंट और इफ, काउंट इफ लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, काउंट इफ। देखिए काउंट इफ में और काउंट इफ्स में अंतर है। ठीक है, तो यहाँ काउंट इफ लगाया हमने और जितने सब्जेक्ट में इनको मार्क्स मिले हैं उन्हीं को सेलेक्ट करके कॉमा लगा करके, और यहां पर देखिए एक ये वाला है। ठीक है, तो डबल कॉमा में इसे लिखेंगे और यहां पे क्या कर देते हैं, लेस देन 50 कर देते हैं। तो यहां पे एंटर करेंगे तो यहां पे देखिए सारे सब्जेक्ट में तो ठीक है, एक ही सब्जेक्ट में लेस देन 50 है। ठीक है, तो ये चीज यहां पे आएगी, तो यहां पे हम उल्टा हमने कर दिया, यहां पे काउंट इफ वापस से लगाते हैं काउंट इफ। ठीक है, और इन सबको सेलेक्ट करके ये देखिए ये सेलेक्ट किया हमने, फिर कॉमा लगाएंगे डबल कॉमा में, ये उल्टा कर देंगे ऐसे डबल कॉमा में, ये कर देंगे लेस देन 50, ये लेस देन 50 हो गया। आप इसको बंद करके एंटर कर दीजिए। ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन 50, लेस देन नहीं बल्कि ये ग्रेटर देन है। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा सबका। तो अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब इसमें चाहे तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देखिए यहां पर इन सबको सेलेक्ट किया हमने। ठीक है, और हमको ये देखना है कि ग्रेटर देन 50 या इक्वल टू 50 वाले कितने नंबर है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए और हाईलाइट सेल रूल्स पे गए और यहाँ पे ग्रेटर देन पे आ गए, और यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम ग्रीन कलर में देखेंगे। तो यहां पर अब मैं क्या करता हूं, ग्रेटर देन, अब देखिए यहां पे आ रहा है ना, ये देखिए ये आ रहा है कुल इस तरीके से। ठीक है, जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे ग्रेटर देन लिखा हुआ है और ग्रेटर देन क्या करेंगे 49 से जो ग्रेटर हो वो ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाए। तो देखिए यहां पे सारे नंबर ग्रीन कलर में हाईलाइट हो गए हैं जो 49 से ज्यादा है, यानी ये पास वाले हैं, यानी ये बच्चे पास हुए हैं। तो जरा देखिए प्रियांशु कितने सब्जेक्ट में पास है, 3 और 1 4, 5 में से 4 सब्जेक्ट में ये पास है, 1 सब्जेक्ट में क्या है, फेल है। इसी तरीके से मोनू को देखिए, ये चारों सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट में पास है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आया हुआ है। अब यहाँ पे फेल्ड इन सब्जेक्ट है तो वही काउंट इफ करके निकाल लेंगे हम। तो काउंट इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे इज इक्वल टू करके काउंट इफ लगाएंगे, काउंट इफ और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहां से इसको सेलेक्ट करके और देन कॉमा लगा के और डबल कॉमा के अंदर इस बार क्या करेंगे, ये वाला साइन दे देंगे। ठीक है, ये वाला शाइन दे देंगे और इसको बंद करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट में ये फेल है ये बता रहा है। क्लियर, अब ये सबका बताएगा इस तरीके से, डबल क्लिक करेंगे तो एक्सेल में चूंकि इनेबल फेल हैंडल होता है तो ये सबका ही बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर हम इसको सेलेक्ट करके क्या करते हैं, एक और इस पे फॉर्मेटिंग लगाते हैं। इस बार क्या करेंगे, इस बार यहां पे देखिए ये लेस देन वाला लगाएंगे, तो लेस देन वाला, तो लेस देन किससे करेंगे, तो लेस देन में हम कर देते हैं यहाँ पे लेस देन 50, क्या करेंगे लेस देन 50, तो जो भी लेस देन 50 होंगे ऑटोमेटिक ये रेड कलर में आ जाएगा। तो देखिए रेड कलर में आ गया। अब देखिए प्रियांशु एक ही सब्जेक्ट में फेल है, यहां पर ये एक भी सब्जेक्ट में नहीं है तो यहां पे 0 दिखा रहा है, और यहां पर देखिए ये 1 और 2 सब्जेक्ट में है, यानी वंश जो है 2 सब्जेक्ट में फेल है तो यहां पे ये 2 दिखा रहा है। ठीक है, और यहां पे देखिए विराट, विराट कितने सब्जेक्ट में है, एक भी सब्जेक्ट में नहीं है। ये देखिए राहुल, तो ये 1 सब्जेक्ट में है तो यहां पे क्या दिखा रहा है, यहां पे 1 दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से किया गया यहां पे। ठीक है ना, अब यहां पे क्या करेगा, इक्वल्स टू मैक्स लगाइए एमएक्स। ठीक है, और यहां पर मैक्स किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स है तो इसको बंद करके अब एंटर करिएगा। तो देखिए 99 एक सब्जेक्ट में है। ठीक है, सबसे ज्यादा मार्क्स जो पाया है इन्होंने 99 किसी सब्जेक्ट में पाया है, तो देखिए ये सब्जेक्ट 1 और 2 में 99 है, उसके बाद तो उससे कम ही है, 86 है, 78 है, 47 है। ठीक है, और मिनिमम में क्या करेंगे, तो मेन का फंक्शन लगाएंगे MIN मिन, तो ये मिन लगाया हमने और मिन लगा करके इसको सेलेक्ट किया इस तरीके से और बंद कर दिया और एंटर किया। तो देखिए मिन वाला भी आ गया, देख सकते हैं कि नहीं। अब ये सब जब आ जाएगा तो डबल क्लिक कर देंगे और इस डेटा में कहीं पर भी क्लिक करके कंट्रोल ए कर लीजिएगा, और एक शॉर्टकट की बताता हूं उसका इस्तेमाल करिएगा, Alt HBA। तो ये हो गया, अब यहाँ पे पूरा बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, यानी एक तरह का आपका रिजल्ट तैयार हो गया। ठीक है, अब ऊपर वाले को सेलेक्ट करके यहां से इसका कलर चेंज कर दीजिएगा, कुछ इस तरीके से ही आपको दिखने लगेगा। अब बात करते हैं एक फंक्शन की, वो फंक्शन क्या है, तो वो फंक्शन है वी लुकअप का। ठीक है, यानी अब डेटा हमारा बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसमें हमें चीजों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए
वी लुकअप का यूज करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए डेटा बड़ा होता है तो एक चीज निकाल, जैसे प्रियांशु का किसी एक सब्जेक्ट में देखना हो या एवरेज ही देखना हो, हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, ये जो डेटा है हमारा, देखिए ये यहाँ पर रोल नंबर है, तो रोल नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया रोल नंबर, कॉपी करके हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर हमें रोल नंबर के अलावा जो भी चाहिए वो यहाँ पे लेके आना। जैसे मान लीजिए हमें रोल नंबर के बेस पर एवरेज कैलकुलेट करना है या टोटल, तो मान लीजिए हमें टोटल ही कैलकुलेट करना हुआ तो टोटल को यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो ये हो गया टोटल हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर रोल नंबर चाहिए तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप रोल नंबर सीधा लेके आ सकते हैं। कैसे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनाएंगे, हम ड्रॉप डाउन लेके आएंगे ताकि हम रोल नंबर वहां से सेलेक्ट कर सके। तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जाके, डेटा टाइप में जाके डेटा वैलिडेशन पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट बना के यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और सेलेक्ट करके ओके करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ से क्लिक करके कोई भी एक हम ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल जो है, टोटल यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। तो टोटल में आप कैसे टोटल कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए आप यहां पर तो देख सकते हैं टोटल कैलकुलेट हो जाएगा इजीली, क्योंकि यहां पर आप देख भी सकते हैं कि यहां पर टोटल दिया गया, लेकिन यही चीज बहुत लंबी हो जाएगी तो ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहां वी लुकअप लगाइए, लगा लिया, यहां पर रोल नंबर को सेलेक्ट कीजिए, तो आप सीधा सीधा यहां से रोल नंबर सेलेक्ट कीजिए, कॉमा लगाइए और ये पूरा टेबल एरे सेलेक्ट करना है आपको, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा। F4 दबा के फ्रिज कीजिए, कॉमा लगाइए और यहाँ पे लगा लीजिए मैच फंक्शन। तो एक फंक्शन आता है मैच, उसको यूज कीजिए। और अब हमें क्या चाहिए, तो हमें मान लीजिए टोटल चाहिए और टोटल यहाँ पे हमने लिखी दिया है, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कॉमा दे दीजिए और कॉमा दीजिएगा तो टोटल कहाँ मिलेगा, तो यही ऊपर कहीं टोटल लिखा हुआ हमें मिल जाएगा। तो ये पूरा ही आपको सेलेक्ट करना है, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा, और फिर इसको F4 दबा के फ्रिज कीजिए, कॉमा लगाइए, जीरो दे दीजिए एग्जैक्ट मैच के लिए और कॉमा लगा करके वी लुकअप का छोटा हुआ फॉर्मूला आप पूरा कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। तो देखिए यहां पर टोटल आपको दिखेगा, ये देख सकते हैं रोल नंबर 5 का टोटल 329 आया है कि नहीं, तो रोल नंबर 5 यहां पर है आप देख सकते हैं और इनका टोटल 329 ही आया हुआ है। आप यहां पर देखिए, मैं इसको एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो देखिए यहां पर ये 329 आया हुआ है, रोल नंबर 5 ही है और 329 आया भी हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए रोल नंबर 5 का नहीं देखना था और रोल नंबर 12 का देखना था, तो रोल नंबर 12 देखिए 193 आया हुआ है, तो 12 यहां पे है ना, तो ये हो गया 12 और ये हो जाएगा 193। तो देख सकते हैं यहां पर कुछ इस तरीके से ये आया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैच का यूज करके ये कैसे लेके आना है, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो इसी को लेकर के थी। अब इस पे आप शॉर्टिंग कर सकते हैं, शॉर्टिंग करने के लिए अगर रोल नंबर के आधार पे, वैसे तो ये शॉर्टिंग हुआ है, नेम के आधार पे शॉर्ट करना है A to Z के क्रम में, तो यहां पर देखिए शॉर्ट जो है शॉर्ट एंड फिल्टर फंक्शन है, इस पे आप क्लिक कर सकते हो, क्लिक करके A to Z करिएगा तो देखिए उसी के हिसाब से रोल नंबर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं ना। तो ये शॉर्टिंग भी आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।